वेलकम बैक नाजरीन जी मुकद्दम साहब जी अफजल साहब जो इनका पास्ट वो चल रहा है तो वो तो जब भी थोड़ा सा बर्डन डालते हैं वेबसाइट पे तो आइदर इट फ्रीज या फिर उसको स्टॉप वक्त कितनी हम रिटर्न फाइल कर सकते हैं 6 या 10 एक दफा में हम भेज सकते हैं आई बिलीव 6 इतनी होंगी इससे ज्यादा तो नंबर्स नहीं होंगे 6-7 ही होंगे इससे ज्यादा अगर कुछ होएगा तो सिस्टम में कोई अनलेस उन्होंने कोई अपडेशन की है या सॉफ्टवेयर बेहतर अच्छा 9 अगस्त को जो क्लोजिंग हुई रिटर्न की उस दिन सिस्टम की क्या हालत थी इन मैनेस्टी की जिस दिन क्लोजिंग हुई उस दिन सिस्टम की क्या हालत थी आगे क्या देख रहे हैं ना वो खुल रही थी ना वो चल रही थी उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम की जो गुजारिश थी वो भी इसी बेसिस पे थी कि नो वन कुड फाइल इन मैनेस्टी क्योंकि वो इट वाज द वेबसाइट वाज नॉट वर्किंग तो अभी भी आप देख लें अभी इन्होंने जो डेडलाइन रखी हुई है अभी इन्होंने ये गोशवारा निकाला और डेडलाइन इतनी जल्दी ये इसको भी कोई नहीं कानून के मुताबिक तो 90 दिन मिलने चाहिए और जो तो गोशवारा ये जुलाई को आना चाहिए वही ना वो इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा इन एनी वे क्योंकि ये वैसे ही इलीगल है आप अगर 90 डेज नहीं देंगे लोगों को और वो अब सारे यूजली लोगों का वो ट्रेंड नहीं है कि पहले ही फाइल कर दें हमारी आवाम भी थोड़ा इट वेट फॉर दी एंड जिस तरह एग्जाम के लिए बचपन में आखिरी दिन पे पढ़ने की आदत है ना तो वो ही चक्कर है तो एंड पे फिर जैसे ही आप यू स्टार्ट फाइलिंग पीपल स्टार्ट अपलोडिंग तो वो सॉफ्टवेयर थोड़ा फ्रीज डाउन कर जाता है तो सिस्टम को किस तरह बेहतर किया जा सकता है आप तो आईटी एक्सपर्ट है ज्यादा बेहतर बताएंगे कि सॉफ्टवेयर में क्या बेहतरी कर सकते हैं वो और क्वांटिटी कैसे ज्यादा कर सकते हैं उसकी कैपेसिटी कैसे बेहतर कर सकते हैं तो आपकी नजर में जो सिस्टम है हमारा जो वही बात जैसे फैसल भाई ने किया अगर वन पेज फाइल होगी तो उसका उतना बर्डन नहीं होगा कैटेगराइज्ड होंगी 3 डिफरेंट कैटेगरीज होंगे 3 डिफरेंट सॉफ्टवेयर चल रहे होंगे वन पेजर होगी वो फिर जल्दी अपलोड हो जाएगी अपलोडेशन का टाइम इतना नहीं लगेगा अब तो मैनुअल वैसे खत्म कर दी गई है जी मैनुअल तो वैसे ही वो तो बेहतरी है चले आई बिलीव क्योंकि पहले चले अब सारा आईटी का दौर आगे आ रहा है इवेंचुअली होनी ही थी तो नहीं वैसे हमारे एक मोबाइल का जो सिस्टम है ईद के दिनों में हम देखते हैं पर सेकंड 70 मैसेज एक नेटवर्क से निकलते हैं पर सेकंड के हिसाब से लाखों के हिसाब से वो मैसेज ही निकलते हैं मुबारकबाद के अगर वो सिस्टम नहीं बैठता तो ये तो सिस्टम 25 लाख पेजर होगी ना क्योंकि मैसेज बड़ा छोटा सा होता है उसके अपलोड का इतना टाइम नहीं लगता अब एक कॉर्पोरेट वाले की भी उतनी अपलोड हो रहा है दूसरे का भी उतना ही अपलोड होना है तो वॉल्यूम सेम है वॉल्यूम कम हो जाएगा ना तो उससे वो आपका ये मसला भी सॉल्व हो जाएगा बिल्कुल काशिफ साहब हुकूमत ने इस दफा 15 अरब सेल टैक्स के और 1 से 5 अरब वो कह रहे हैं इनकम टैक्स के रिफंड वापस कर रही है तैयार है वो हुकूमत का एतमाद को बहाल होगा ताजरों पे इस तरह का देखिए इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप हमें हर अच्छे कदम को सराहना चाहिए है और हमें हुकूमत की तारीफ करनी चाहिए लेकिन आटे में अगर आप नमक डाल दें और आप ये कहें कि जनाब आटे के हम पल्ला हो गया है नमक तो वो नहीं हो सकता देखें जो मसाइल हैं इस बात को हमें उनका तो कानूनी हक था रिफंड लेना वो तो वैसे भी उनका पैसा था उनको मिलना चाहिए मैंने क्या कहा कि देखें अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है तो रेट ऑफ विदहोल्डिंग को कम कर दें ताकि आपके आपको रिफंड्स कम देने पड़े आपको वापस ना देने पड़े वैसे इंपोर्ट उससे खत्म कर दिया जाए उस रेट ही कम कर दिया जाए तो फिर नहीं बेहतरी हो सकती देखिए आपका अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है तो आप सेल्स टैक्स का रेट भी तो कम कर सकते हैं सिंगल डिजिट पे ले जो ऐसा जो ऐसी एंटिटी जो सेल्स टैक्स नेट के अंदर है आप उसके रेट को कम कर दें ताकि आपको रिफंड उसको कम देना पड़े जी जी। लेकिन बात यह है कि फिर हमारा दरअसल ये टारगेट ही नहीं है हमारा टारगेट है रेवेन्यू को कलेक्ट करना और हम ऐसी मौजूदा हालात में आपको लग रहा है रेवेन्यू कलेक्शन उनका टारगेट हुकूमत का देखिए इसलिए मैं आई एम वेरी डाउटेड बिकॉज आपका इंटरेस्ट रेट दो माह में रिजल्ट कारकर्दगी तो आ चुकी है सर कारकर्दगी आ चुकी है चीजें बहुत महंगी हो चुकी हैं आपका डॉलर का जो रेट है वो अगेंस्ट रूपी वो कहाँ जा चुका है बिजली के बिल आपके जो हैं वो पिछले सालों से कहाँ पहुंच चुके हैं इंटरेस्ट रेट आपका कहाँ जा चुका है अब अगर आप एक्सपोर्ट्स आपकी नहीं बढ़ सकें अब अगर आप ये चाहते हैं कि हमारी इनपुट कॉस्ट्स बढ़ गई हैं हमारा जो बीच में रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो हमने बढ़ा दी और उसके बावजूद हम जाकर एक्सपोर्ट करें एक्सपोर्ट करो भाई कैसे एक्सपोर्ट करो जब आपका डॉलर अगेंस्ट रुपी 100 के करीब था तो आप एक्सपोर्ट्स नहीं कर पा रहे थे अब आप इसको 165 से 170 पे ले गए तो हुकूमत नहीं आती पहले साल तो डॉलर ऊपर नीचे जाता उसके बाद मुस्तकम हो जाती है एक बात यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँ कि हम ये कहते हैं कि हमने अपने रेवेन्यू के कलेक्शन के टारगेट्स पूरे करने हैं आपने 4 से 5 बिलियन डॉलर की इम्पोर्ट्स को कम किया है वेरी गुड लेकिन आपने क्या उस इम्पैक्ट को चेक किया है कि उसके अगेंस्ट जो आपने सेल्स टैक्स इनकम टैक्स और कस्टम्स ड्यूटी में जो आपके शॉर्टफॉल्स आए हैं
देखें आप एक चीज को तो कम कर रहे हैं कि हमने जनाब अपने डेफिसिट को कम करना है, पहले शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए 3400 अरब रुपए कर्जा लिया जा चुका है। अब हम एक तरफ हम देख रहे हैं, हम एक तरफ अपना काम पूरा कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ, और फिर उसका बर्डन आप किसके ऊपर डाल रहे हैं, उसका बर्डन आप ट्रेडर्स पे डाल रहे हैं, आप उसका बर्डन इंडस्ट्रीज के ऊपर डाल रहे हैं। अब आप उनके जनाब क्रैक डाउन ड्राइव स्टार्ट होने लगी है कि जनाब जिन्होंने अपने टारगेट्स कम, कलेक्शन कम हुई है, जिस जगह पे जिस जोन में कलेक्शन कम हुई है वहां जोन में जाके उनके ऑडिट स्टार्ट किए जाएं, सबको ऑडिट के नोटिसेज आ गए हैं। और सिर्फ मजे की बात यह है कि जो इस मुल्क में काम करता है उसको सिर्फ इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के ऑडिट के नोटिसेज नहीं आते, उसको सोशल सिक्योरिटी के भी आते हैं, उसको ईओबी के भी आते हैं, उसको लेबर के भी आते हैं, ये तमाम कॉस्ट हैं। इन तमाम कॉस्ट के बावजूद आप अपने मुल्क में जो आपके इंडस्ट्री लगा रहा है आप उसको ऐसे ट्रीट करते हैं कि वो चोर है, आप उसको टैक्स चोर कहते हैं। देखें हमें अपने मुल्क में काम करने वाले ताजरों और मुल्क में काम करने वाले सनतकारों को टैक्स चोर नहीं कहना चाहिए और उनकी इज्जत करनी चाहिए। टैक्स चोर की डेफिनेशन आज तक शायद मालूम नहीं है किसी को, या डेफिनेशन उसकी बताना नहीं चाहते। टैक्स चोर है कौन? टैक्स चोर जो टैक्स नेट में नहीं है, टैक्स चोर वो नहीं है जो टैक्स का पैसा खा रहा है, वो टैक्स चोर है। उसकी डेफिनेशन सही नहीं बताते ना हुकूमत वाले। हम जो ये कहते हैं, हम व्हाइट कॉलर जो जराइम करते हैं वो टैक्स चोर तो वो है जो हम तमाम अनडॉक्यूमेंटेड मनी को ब्लैक मनी कहते हैं। नो, दैट इज ग्रे मनी। जी जी। आपका वो पैसा जो नाजायज तरीके से, जो रिश्वत से, जो आपकी स्मगलिंग से, जो आपके शर्ट्स और अफीम के पैसे से जो पैसा कमाया गया, दैट इज ब्लैक मनी। ग्रे पैसा जो जायज तरीके से कमाया गया है लेकिन आपने उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया है, एतमाद जो एतमाद की जो फजा कायम नहीं हो सकी आज तक, वो अवेयरनेस की कमी है। एंड वी पब्लिक आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है, चैम्बर्स भी रिस्पॉन्सिबल है, फेडरेशन भी रिस्पॉन्सिबल है, एसोसिएशन भी रिस्पॉन्सिबल है। हम तमाम को, आम लोगों को अवेयरनेस देने की जरूरत है। हमें बताना होगा लोगों को कि आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी है और सबसे पहले गवर्नमेंट को, फिर मैं वही बात करता हूँ कि इज्जत देनी। काशी भाई आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, इस मौजूदा सिनेरियो में क्या अब जो रिटर्न ना देने वाला कानून की गिरफ्त से बच सकेगा? देखिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, बच तो जाएगा। देखिए ये बड़ी वाजे सी बात है, वो बच तो जाएगा लेकिन उसके लिए बेहतर नहीं है कि वो टैक्स नेट से बाहर रहे। नेट में आना चाहिए, नेट में फाइल करके अपनी इनकम्स को, अगर आप नहीं आते टैक्सेबल इनकम में तो आप नॉन टैक्सेबल इनकम की आप रिटर्न को फाइल। उसमें ना वो उसमें एक कानून 100BA उन्होंने बना दिया है, को रिटर्न फाइल ही ना करेगा उसका खुद ब खुद हुकूमत नोटिस भेज देगी आपका। ये मैं इसको पॉइंट को क्लियर करूं, देखें यहाँ बहुत अच्छा खूबसूरत सवाल आपने किया है। इतनी ज्यादा ऑटोमेशन हो गई है, अगर गवर्नमेंट नेट के ऊपर ये दे देती है काशिफ अनवर अपना CNIC ऐड करे और आपके FBR के प्रोफाइल के ऊपर ये आ जाए कि काशिफ अनवर ने कितनी गाड़ियां खरीदी, कितने घर खरीदे, कितनी बार ट्रैवलिंग की, मेरे लिए मजबूरी हो जाए। वो कानून देखें, जब तक आप ऑटोमेशन का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, डाटा का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक आपका टैक्स बेस नहीं बढ़ेगा। डराने से ना लाए, उनको कन्विंस करने से लाए। बिल्कुल सही है फैसल साहब, जो अब गलत गोशवारे जिन्होंने जमा करवाए थे 2.5 लाख लोगों को नोटिस आ चुके हैं, इस दफा क्या होगा? देखिए यार बात समझ लें, काशिफ साहब जो बात कर रहे हैं वो आप समझ नहीं पा रहे। जी जी मैं समझ गया हूँ बात। जी जी टैक्स एवेजन और टैक्स प्लानिंग में फर्क, बिल्कुल जी बिल्कुल शक नहीं इसमें। आप चोर का वर्ड यूज करके ताजर को डीग्रेड नहीं कर सकते। जी जी जो बंदा चोर को इनडायरेक्ट टैक्स हर बंदा दे रहा है बच्चा पैदा होने से जो होता है। जी जी ताजर जो है वो आजर भी है। जी जी ताजर जो है वो आजर भी है, कोई शक नहीं इसमें। ठीक है, एक टेक्सटाइल मिल वाला 800 लोगों के रिस्क का बंदोबस्त करता है। जी जी अल्लाह ताला ने उसको सबब बनाया हुआ ना। जी जी अब अगर उसका टैक्स प्लानिंग से कोई टैक्स सेव होता है उसको आप ये नहीं कह सकते कि उसने चोरी की है। जी जी चोर कौन है? चोर वो आदमी है जो इस टैक्स नेट से बिल्कुल बाहर बैठा हुआ है। जी जी और वो कहता है कि मैं क्यों अपना बोझ उठाऊं, मेरा बोझ उठाने के लिए यूबी साहब जो है जो रिटर्न दे रहे हैं। ठीक है अब जी जी। बात आप कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान का अलमिया क्या है? अलमिया ये है कि हम कारोबार को चलने दे ही नहीं रहे। हम रोज बिजली का रेट बढ़ा देते हैं, हम रोज पेट्रोल का रेट बढ़ा देते हैं, हम रोज टैक्स के रेट बढ़ा देते हैं। आपने कॉरपोरेट टैक्स का रेट कम करने की बजाय बढ़ा दिया। ठीक है आपने प्रॉफिट एंड डेट मिनिमम टैक्स में ले गए, आप सप्लाईज को मिनिमम टैक्स में ले गए, आप कॉन्ट्रैक्टर को मिनिमम टैक्स में ले गए, आप इंपोर्टर को मिनिमम टैक्स में ले गए।
एक आदमी से आप 100 रुपए में 4 रुपए ग्रॉस टैक्स ले लेते हैं और आपने उसकी जान लेनी है, क्या लेना है मुझे बताएं, 4 रुपए का क्या मतलब है? मैं इसको 30% पे रिवर्स करता हूँ, मैंने 4.5% दिया, इसका मतलब है कि उस बंदे ने 30 रुपए कमाए, तो 30% टैक्स देना, तो 3 रुपए नॉर्मल लॉ में से देना है, आप ऑलरेडी उसे 4 ले रहे हैं। मुझे बताएं कौन सा ऐसा कारोबार है जिसमें मैं 100 रुपए की सेल करूं और 30 रुपए का नेट प्रॉफिट कमाऊं, है ही नहीं। आप पॉलिसी मेकिंग का फुकदान है, जो मैं आपको पहले दिन से इस पर्टिकुलर प्रोग्राम पे कहता आ रहा हूं कि यहाँ पे पॉलिसी मेकर सारे के सारे पाकिस्तान दुश्मन बैठे हुए। ये तो बात साहब, देखो वो आपने पिछले साल बादशाह साहब कहते हैं मैं उससे ज्यादा बड़ा मोशी साल इंपोर्टर्स को पहले मिनिमम टैक्स दिया, फिर आपने वो प्रिजम्पटिव में लेके, जी जी यार 100 रुपए में से आप 5.5 रुपए इंपोर्टर से टैक्स ले रहे, जी जी ठीक है, 5.5 रुपए को मैं अगर रिवर्स करूं, मेरा नॉर्मल हाईएस्ट स्लैब 30% है, ठीक है, इसका मतलब है कि अगर मैं कितने पैसे कमाऊं, 30% 5.5 बनेंगे, बताएं 20-25 रुपए कमाऊं तो 30% वो बनेगा ना, तो यार 25% नेट प्रॉफिट बंदा खुदा किसी कारोबार में नहीं है, ठीक है, जो भी आदमी काम कर रहे हैं वो 5% 10% 15% में काम कर रहे हैं, इससे ऊपर कोई इन्हें ये बताने वाला कोई नहीं, ये बजाय टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए लोगों को फैसिलिटेट करें, उसे कहे जी 5.5 को हम 3.5 कर रहे हैं, ज्यादा लोग आप इतने एक्सपर्ट, आपके शब्बर जैदी साहब बैठे हैं चेयरमैन साहब, तो फिर आप उनको वो शब्बर जैदी साहब का बेसिकली अपना या उनका बस नहीं है वो कर नहीं सकते, पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन बात ये है कि बात इस वक्त पाकिस्तान इकोनॉमी की हो रही है, जी जी, एक आदमी कितना बोझ उठा सकता है, ठीक है, हुकूमत अपनी दफा ये कहती है मैं बॉन्ड दूंगी 3 साल के जी और उसमें 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगी, अगर मेरे पास कैश नहीं है मैं अपना कारोबार कैसे चलाऊंगा, जी जी, और अपनी दफा वो कहते हैं कि जो सेल टैक्स का आउटपुट टैक्स है वो पूरे का पूरा नकद दो, उसके अगेंस्ट कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, एक खुला तजाद नहीं है, जी जी, मुझे देंगे बॉन्ड देंगे मेरे रिफंड का, जी जी, ठीक है, अपनी बारी वो कहते हैं कैश जमा कराओ, जी जी, ये यार जब तक हम इन पॉलिसीज को कोई अकलमंद आदमी बैठ के तराजू में तोलेगा नहीं, जी जी, कि यार एक कारोबार काशिफ ने कारोबार चलाना है या मैंने चलाना है, जी जी, हमारी जेब में सरमाया होगा हम तनखाएं देंगे, जी जी, हमारी जेब में सरमाया होगा हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे, हर बात कमाई होगी तो टैक्स भी देंगे, हम सैलरी देंगे, जी जी, अगर हमारा सरमाया रिफंडों में फंस जाएगा, जी जी, फिर हमने कारोबार किस पैसे से करना है, जहर बात है तो इकोनॉमी बैठनी है और बिजनेस भी बंद होना, इंडस्ट्री भी बंद होनी है। जो आखिरी बात, जी जी, गोशवारे की मैं दोबारा करूंगा, जी जी, इस गोशवारे को मैं आपके इस प्रोग्राम से फिर हुकूमत को रिक्वेस्ट करूंगा, खुदा के लिए इंडिविजुअल्स का गोशवारा, जी जी, और सैलरी का गोशवारा और छोटे ताजर का गोशवारा सादा वो एक सफे का निकाल दें, जी ताकि लोग उसको भर सके। बिल्कुल फैसल साहब आपको बहुत शुक्रिया, काशिफ साहब आपको बहुत शुक्रिया, मुकदम साहब आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन प्रोग्राम टेस्टोराम में शामिल होने के लिए हमारे स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, किसी इश्यूज़ को उठाना चाहते हैं, कोई शिकायत है, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल अयूबी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।